आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है और आज सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद जितने भी सांसद हैं सभी आज और कल शपथ लेंगे। हमारे साथ हरियाणा के सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। सतपाल जी, पहला दिन शपथ लेंगे आज, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आज तो सबका ही कार्यक्रम है, हरियाणा का जब भी नंबर आएगा तो सबको मिलेंगे। लेकिन सतपाल जी, मुद्दे कौन से होंगे? जनता ने आपको, सोनीपत की जनता ने आपको सांसद बनाकर संसद भवन भेजा है, मुद्दे कौन से रहेंगे इस बार? देखिए, वो पहले तो रोजगार का ही है, तो सोनीपत की जो समस्या है अभी मैंने आपको बताई, सबसे बड़ी समस्या ये है, रोजगार के लिए लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली की ट्रेन व्यवस्था ठीक नहीं है, मेट्रो की हमारी मांग है और बहुत जल्दी उस पर कोशिश करेंगे। मेट्रो जब हमारे यहाँ रोहतक आ सकती है एमपी साहब के द्वारा, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा, उनके प्रयास से, और मेरठ जा सकती है तो सोनीपत भी एनसीआर में है, सोनीपत और नज़दीक है, तो ये मांग रहेगी कि मेट्रो चले। लेकिन सर, जिस तरीके से नेट परीक्षा को जिस तरीके से रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उसमें कितनी भूमिका रहने वाली है? पूरी भूमिका रहेगी, जो हमारे हाईकमान का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन सर, प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है जो सबसे सीनियर सांसद है उसको स्पीकर बनाया जाए, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, लेकिन आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो कांग्रेस ने कहा है, सतपाल ब्रह्मचारी उसमें नहीं थे। तो बिल्कुल, ये थे सतपाल ब्रह्मचारी जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नॉर्थ टाइम्स पंजाब के टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।